सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कीड़े तो हम सभी के पेट में होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंटेस्टिनल वॉर्म्स कहते हैं। ये कीड़े हमारे सिस्टम में जाता है और जाके बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी करते हैं। दोस्तों, हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला हमारा पेट ही है। अगर पेट ही स्वस्थ और ठीक नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है। इसलिए अगर पेट सही तो सब सही। और दोस्तों, ये पेट के कीड़े हमारे पेट को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे पता करें कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। और इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। और मैं इसका इलाज भी बताऊंगा कि अगर आपके पेट में कीड़ा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे वो कीड़े नष्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको भी पता चले कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ लक्षण के बारे में बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। दोस्तों, ये कोई बड़ा या खास लक्षण नहीं है, ये साधारण सा लक्षण है जो कि सभी को होता है। जैसे कि मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, थकान और उदासीनता होना, त्वचा पर चकत्ते, एक्जिमा या रैशेस होना, रात को सोते समय परेशानी होना, नींद टूटना या सोते समय दांत पीसना, आयरन की कमी होने से एनीमिया, पाचन से संबंधित परेशानियां होना, कब्ज, डायरिया या गैस होना, ट्रेन या फ्लाइट में सफर करते समय ट्रैवल डायरिया होना, खाने के बाद भी भूख लगना आदि। दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जिससे पता चलता है कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में परजीवी घुसपैठ कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई लक्षण की, अब मैं आपको इसके इलाज की बात बताऊंगा। इसका इलाज बहुत ही साधारण और आसान है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, पैसे खर्च नहीं करने होंगे और ज्यादा समय भी नहीं देना होगा। आप अपने घरेलू उपचार से ही इसे नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इलाज बताता हूँ। इलाज नंबर 1, लौंग। दोस्तों, लौंग हमारे आंतों में कीड़ों द्वारा छोड़े गए अंडों को नष्ट कर देता है, जिससे कीड़े नहीं पनपते। क्योंकि लौंग में शक्तिशाली एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक के गुण होते हैं जो कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। और लौंग के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि अगर आप लौंग को अपने दांतों में रखते हैं तो इसके तत्व पेट के कीड़े को तो मारते ही है, साथ ही साथ दांत के कीड़ों को भी मारते हैं और दांत में कीड़े नहीं लगने देते। और भी बहुत से फायदे हैं लौंग के, और आप लौंग को खाने के साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि सब्जी में, अचार में, चाय में या अन्य खाद्य पदार्थ में भी ले सकते हैं। आप इसे सेक कर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी कोई भी काम कर रहे होते हैं तब एक लौंग आप अपने दांतों में रख लीजिए और धीरे धीरे उसके रस को चूसते रहिए। इससे आपका दांत भी कीड़ा मुक्त और साफ रहेगा और आपके पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, और आप इसे कभी भी ले सकते हैं। इलाज नंबर 2, लहसुन। दोस्तों, लहसुन सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। इसमें एंटी पैरासिटी, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक इफेक्ट होता है, जो आपके शरीर के कीड़ों को खत्म करता ही है और साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों से भी लड़ता है, जैसे कि कोल्ड और फ्लू से लड़ता है, हमारे खून को प्योरीफाई करता है, हार्ट, डायसिस और कैंसर से भी लड़ता है। और तो और, ये हमारे त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है और भी बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को पहुँचाता है। और दोस्तों, आप लहसुन को कच्चा भी खा सकते हैं और सब्जी या दाल के साथ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप लहसुन को भी कभी भी ले सकते हैं। नंबर 3, अजवाइन का तेल। दोस्तों, आपको अजवाइन के बारे में तो पता ही होगा, जिसे हम इंग्लिश में सेलरी कहते हैं। दोस्तों, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने और पेट में मौजूद परजीवियों को मारने के लिए अजवाइन का तेल सबसे अच्छा और प्रभावी इलाज है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसमें एंटी पैरासिटिक, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक और एंटीफंगल के गुण भी होते हैं। आप अजवाइन का तेल, अजवाइन के पत्ते और अजवाइन के दानों का भी सेवन कर सकते हैं। ये सारे ही आपके शरीर को फायदा देंगे। आप इसे सब्जी में या चाय में भी ले सकते हैं। अजवाइन के दानों को आप कच्चा भी खा सकते हैं, जो पेट के कीड़ों को तो नष्ट करता ही है, साथ ही साथ सर्दी, जुकाम या बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है और हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ये कुछ इलाज थे जिससे आप अपने पेट में मौजूद कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लक्षण को भी याद रखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पेट में कीड़ा है या नहीं। दोस्तों, ये कीड़े हमारे शरीर को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं,
इन कीड़ों को खत्म करने के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ भी मिलती हैं जिसे आप ले सकते हैं, पर दोस्तों घरेलू उपचार सबसे उत्तम और प्रभावशाली होता है और साथ में हमारे शरीर को बहुत प्रकार से बुरे बैक्टीरिया और बीमारी से भी दूर रखता है। तो मैं आपको घरेलू उपचार ही रिकमेंड करूंगा और ये सबसे सस्ता और अच्छा इलाज भी है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।